ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनयां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करें ताकि आप रेगुलर स्टडी वीज़ा को लेकर अपडेटेड रह सकें। सो, आज की जो मेजरली बातचीत मैं करने वाला हूँ, एक तो 6 अगस्त जिसको लेके बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली 6 अगस्त तक या हम कह लें कि अगले 2 दिन में और काफ़ी रिजल्ट्स पिछले काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। सो, मैं ये नहीं कह सकता कि 6 अगस्त तक सबके रिजल्ट आ जाएंगे, बट मोस्ट लाइकली 50% प्लस रिजल्ट उन्होंने ज़रूर डिलीवर कर दिए हैं जो 6 अगस्त से पहले जैसा कि उन्होंने प्लान किया था 100% डिलीवर करने का, उतना नहीं हो सका। एंड अभी काफ़ी दिन बाकी हैं सेप्टेम्बर इनटेक में, सो डेफिनेटली जो बच्चे ऑलरेडी भी रिजल्ट पे वेटिंग है, दे कैन स्टिल कीप ऑन एक्सपेक्टिंग विद द सेम स्पीड की उनको रिजल्ट आते रहेंगे। एवरी डे हर कंसल्टेंट को ऑलमोस्ट जिसकी 10-15 फाइल भी अंदर हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट उसे एवरी डे एक आधा रिजल्ट मिल रहा है। सो नॉट टू वरी, इसी तरह से स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं तो रेगुलर रिजल्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। कल भी बहुत सारे रिजल्ट रिलीज हुए, मंडे नाइट भी बहुत सारे रिजल्ट रिलीज हुए थे। सो बेफिक्र रहें और अपने रिजल्ट्स को रिसीव करते रहें। 6 अगस्त को भूल जाएं, आपकी डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, बट इट सीम्स मोस्ट लाइकली कि जो सेप्टेम्बर के रिजल्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर में रिसीव हो जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम क्यूबेक। क्यूबेक का रिजल्ट अभी स्लो चल रहा है, अगर आने वाले दिनों में वो स्पीड करते हैं तो देन इट माइट मेक अ डिफरेंस। बहुत सारे बच्चों ने जिस डॉक्यूमेंट्स मंगवाए उसमें से केप्स नोट मंगवाए तो उनमें स्टेटस जो है वो क्लियर दिख रहा है पीपीआर रिक्वेस्ट का, बट अभी उतनी पीपीआर यहाँ नहीं दिख रही है। उसका एक रीज़न मैंने कल बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वेस्ट की गई थी अब उसकी चेकिंग चल रही होगी, तो दैट कुड बी द वन रीज़न ऑफ डिले। नाउ आज का जो टॉपिक था मेन मेरा डिस्कस करने का वो था एक न्यूज़, द स्टार डॉट कॉम करके एक न्यूज़ एजेंसी है जिसने कनाडा की तरफ से ये न्यूज़ जो है वो प्रिंट की है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका लिंक भी आपको दूंगा, ध्यान से वो बच्चे समझें जिन्होंने फ्यूचर में अप्लाई करना है। जो तो अप्लाई कर चुके हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ होगा भी नहीं, डोंट वरी, बट डेफिनेटली जो कनाडा के फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, किस तरह से वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहता है, कौन से कंसर्न पॉइंट्स या रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कि एक चीज़ यहाँ पर जो हाईलाइट की है इस न्यूज़ एजेंसी ने, जो डेटा उन्होंने पढ़ा है 2000 से लेके 2020 तक का, कि स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी जो वो चाहते थे वो उतनी नहीं है। डाइवर्सिटी किस सेंस में, विभिन्नता किस सेंस में? पहली चीज़ डेस्टिनेशन को लेके, तो एक ही कंट्री से बहुत ज़्यादा लोगों का आना ये भी उनको लेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है, इसीलिए इस बार SDS को उन्होंने सदर्न अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए भी खोल दिया था कि वहाँ से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सकें और अप्लाई कर सकें। सेकंड उन्होंने कहा एक चीज़ जो बहुत मेजरली हाईलाइट की है, इससे भी इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि यहाँ पर ये हाईलाइट हुआ कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे आ रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, तो मोस्टली पंजाब वाले या नॉर्थ इंडिया वाले कह लें, हम ज़्यादातर प्री फोकस्ड होके चल रहे हैं या इवन एशियन स्टूडेंट्स प्री फोकस्ड होके चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशंस को लेके। यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया ओंटारियो को, पर्टिकुलरली मेंशन किया गया मॉन्ट्रियल को, पर्टिकुलरली मेंशन किया गया ब्रिटिश कोलंबिया को, लेकिन जो अदर रीजन्स हैं जहाँ पर वो चाहते हैं स्टूडेंट आए वहाँ पर उतना स्टूडेंट नहीं है, तो मतलब स्टूडेंट डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा जिस तरह से वो चाहते हैं। सेकंड उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किए कोर्सेज कि स्टूडेंट कुछ फिक्स कोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इट्स अ बिजनेस कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड के कोर्स को हाईलाइट किया, उन्होंने अनदर कोर्सेज आई थिंक इट वॉज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर और उस कोर्स को भी हाईलाइट किया। आई ट्राई टू फाइंड आउट अगर मुझे वो कोर्स मिल जाए। और 3-4 कोर्सेज के ऊपर उन्होंने बताया कि जो जनता है वो सेंट्रलाइज्ड है, इंस्टीट्यूट्स को लेके इनकी एक ही प्रेफरेंस है, दैट इज़ चीपेस्ट इंस्टीट्यूट। अच्छा इंस्टीट्यूट कोई नहीं देखता, सिर्फ सस्ता इंस्टीट्यूट्स बच्चे देख रहे हैं। तो आप समझें ये जो न्यूज़ है, ये रिपोर्ट है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। बीइंग अ कंसल्टेंट, आप स्टूडेंट हो, आपने एक टाइम अप्लाई करना, हमने बार बार कई बच्चों का फ्यूचर अप्लाई करना है, सो यहाँ से जो चीज़ देखने को सुनने को और समझने को मिल रही है, अगर आप भी ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि एजेंसीज गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हैं कि उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करें जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं और अच्छे फी स्ट्रक्चर पे भी आ रहे हैं और डेफिनेटली और इम्पॉर्टेंटली वो डाइवर्सिफाई होकर आ रहे हैं। डाइवर्सिफाई का यहाँ मतलब कि आप उन लोकेशंस पे जा रहे हो जहाँ पर वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आएँ,
दैट कुड बी अटलांटिक प्लेसेस काफ़ी सारी हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे रीजनल प्रोवेंसीज हैं जहाँ पर बच्चे उतना ज़्यादा नहीं जाते जितना कि जाना चाहिए, चाहे वो मैनिटोबा हो, चाहे अल्बर्टा हो, चाहे ब्रंसविक हो, ऐसे जितने भी प्लेसेस हैं वी नीड टू स्प्रेड देयर। स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों पे अप्लाई करना चाहिए, डोंट गेट सेंट्रिक अबाउट ओंटारियो या मॉन्ट्रियल या फिर ब्रिटिश कोलंबिया। डाइवर्सिफिकेशन वो आपसे चाहते हैं, डेफिनेटली अगर ये चीज़ें होती हैं तो इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस के प्रोसेस पे भी आएगा, और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसे टफ लॉज या टफ सिस्टम भी आ सकते हैं कुछ उन जगहों के लिए, उन लोकेशंस के लिए जहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस करके चल रहे हैं। सो पंजाब के स्टूडेंट्स को मैं खास करके एडवाइस करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक भेड़ चाल का कल्चर है कि मेरा दोस्त गया टोरंटो तो मैं भी टोरंटो, वो गया मॉन्ट्रियल तो मैं भी मॉन्ट्रियल, वो गया टटेगू तो मैं भी टटेगू। सो इस चीज़ नू वी नीड टू लीव दैट एंड सानू अपने अकॉर्डिंग वी नीड टू सिलेक्ट आर ओन एजुकेशन, वी नीड टू सिलेक्ट आर ओन करियर, वी मस्ट हैव अ रियल प्लान अकॉर्डिंग टू इट। डोंट जस्ट डोंट ट्राई टू गेट इन टू कैनेडा, गेट इन टू कैनेडा इज नॉट चैलेंजिंग, एवरीबडी कैन, बट अगर आप अच्छे कोर्स अच्छे एजुकेशन के साथ जाएंगे, अच्छी लोकेशन पे भी जाएंगे तो दैट ऑल दोज फैक्टर्स विल बी अ पार्ट ऑफ वीज़ा इन फ्यूचर, वेदर यू एग्री और नॉट। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जब ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस बंद हुए थे, ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स आई थी जब यूके के कॉलेजेस बंद हुए थे। अगर हम पास से नहीं सीखेंगे तो हम फ्यूचर बेटर नहीं कर सकते। सो आई एडवाइज ऑल द कंसल्टेंट्स एज वेल एंड द स्टूडेंट्स कि काइंडली स्टूडेंट्स को भी समझाएं और स्टूडेंट भी ये चीज़ समझें कि जितना आप डाइवर्सिफाई होकर चलोगे, जितना उनके रीजनल एरियाज को प्रेफर करके चलोगे, वो आपके भी फेवर में और लॉन्ग टर्म एजुकेशन इंडस्ट्री के फेवर में रहेगा कनाडा। सो आज के लिए इतना, फिर नए शो में मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर, यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।